गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। राम राम सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ओके सर। हाँ बच्चे बोलो। कल के पीडीएफ में तो जो आप थे ना वो तो था ही नहीं, सिर्फ स्लाइड वाइज था जो पहले से बना के रखे थे, जो आप लिखे थे वो तो था ही नहीं। अच्छा वो तो सेव करना पड़ता है, वो मैंने सेव नहीं किया था सर। कर देते फिर उसके लिए तुमको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। हाँ सर भी जाकर रिकॉर्डेड में देखी वो वैक्सीन के कारण। रिकॉर्डेड में जाकर के। हाँ रिकॉर्डेड में जाकर के स्क्रीनशॉट ले। हाँ उसमें जाकर लिया फिर पूरा। हाँ ले लिया ना। ठीक वेरी गुड। ठीक है चलो, कल जितना पढ़ा था उतना क्लियर है सब बच्चों को? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें क्या? यस सर। चलो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ से कैसे अलग है, वो चीज भी मैंने तुम्हें बता दी थी। ठीक है तो अब कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिसिटी। क्या होता है प्लास्टिसिटी? देखो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है वो हमेशा एक फिक्स पाथवे को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे मान लो लास्ट लेक्चर में तुमने पढ़ा था कि सीड है, सीड जर्मिनेट हुआ, सीड का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन हुआ उसके बाद में जुवेनाइल फेज आया, वेजिटेटिव फेज आया, वेजिटेटिव फेज आया, वेजिटेटिव फेज के बाद में फिर क्या आया? रिप्रोडक्टिव फेज आया। फिर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में क्या आया? सेनेसेंस आया। ऐसा पढ़ा हमने। क्या क्या हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि वेजिटेटिव फेज में ही रिप्रोडक्टिव फेज जो है इसको थोड़ा जल्दी करवा दें और वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने से पहले ही वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलो कर सकते हैं क्या? Yes, कई बार हॉर्मोन्स वगैरह यूज करते हैं या मान लो लाइट इंड्यूस कर रहे हैं या टेम्परेचर इंड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। या फिर मैं चाहता हूं कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आए ही ना, फ्लावर ही ना हो, क्या कुछ कर सकते हैं क्या? यस सर, हार्मोन डाल सकते हैं। यस, तो इसका मतलब या सेनेसेंस को डिले करना है वो भी कर सकते हैं। तो कई बार ये जो डेवलपमेंटल पाथवे है इस पाथवे को हम चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज
a fixed pathway. It can be changed in response to environmental factor or phases of life to form different kind of structure. और यही प्लांट के अंदर डिफरेंट मतलब जो एक नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न है या डेवलपमेंटल पैटर्न है, उस पैटर्न को चेंज करने की या उसके पास डिफरेंट वे में उस पैटर्न को आगे लेके जाने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोल देते हैं. प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल है हेट्रोफिल. प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिल. नाम से पता पड़ रहा है क्या, हेट्रोफिली का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विषमपर्णता जिसको हम बोल रहे हैं, presence of different types of leaves on the plant. तो plant के अंदर different type के leaves जो है वो कैसे बनते हैं, ये अलग अलग type से हो सकता है. हेट्रोफिली की यदि हम बात करें तो क्या हो सकता है, हेट्रोफिली developmental हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर जो environmental है वो हो सकता है. कैसे हो सकता है, ये जो हेट्रोफिली है वो हम देखते हैं दो type का हो सकता है. हेट्रोफिली कौन कौन से दो type के हो सकते हैं mainly, एक हो सकता है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली. किसका एग्जांपल है ये प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है. अब देखो जैसे यहां पर एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख पा रहे हो सब बच्चे? यस सर. यहां पर ये जो ए डायग्राम है वो लार्क्सपर के अंदर हेट्रोफिली को शो कर रहा है. जुवेनाइल फेज में जो लीफ है वो और एडल्ट फेज में जो लीफ है दोनों अलग अलग टाइप की हैं कि नहीं. तो लाइफ साइकिल के अंदर ये डिफरेंट टाइप की लीफ बन रही है, किसके बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे. तो लार्क्स पर जो है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, बोलो, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली. कौन सा डेवलपमेंटल, ऐसे ही कॉटन है या कोरिएंडर है, इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल हेट्रोफिली होती है. जुवेनाइल लीफ अलग टाइप की होगी, एडल्ट लीफ अलग टाइप की होगी, ठीक है. और ऐसे ही यदि हम बात करें एनवायरमेंटल हेट्रोफिली की, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसका एग्जांपल हो जाएगा बटरकप या रेनन्कुलस. अब देखो यहाँ पर रेनन्कुलस के अंदर देख रहे हो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यदि लीफ है तो वो लीफ कैसा, कंप्लीट टाइप का लीफ दिख रहा है. और यदि वो पानी के अंदर है, एक्वेटिक है, तो फिर कैसी लीफ है, सीरेटेड, कटी फटी सी लीफ दिख रही है हमको, ठीक है, डायसेक्टेड लीफ है. तो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप के लीफ हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली. तो प्लास्टिसिटी का एग्जांपल हो गया क्या, हेट्रोफिली, एंड द हेट्रोफिली कैन बी डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल. यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल, लाइक डेवलपमेंटल हेट्रोफिली इज प्रेजेंट इन लार्क्सपर, कॉटन, कोरिएंडर, एंड एनवायरमेंटल हेट्रोफिली इज प्रेजेंट इन रेनन्कुलस. ध्यान रख लोगे इतना, ठीक है क्या सर? एक बार हिंदी में भी बताइए ना. वापस से एक बार बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि हेट्रोफिली जो है, विषमपर्णता जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, और दूसरा हो सकता है डेवलपमेंटल या परिवर्तनीय विषमपर्णता. डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का मतलब जो जुवेनाइल लीफ है वो अलग टाइप की होंगी, और एडल्ट लीफ जो है वो अलग टाइप की होंगी. और एनवायरमेंटल का मतलब जो सूखे में या प्लांट है उसके अंदर लीफ अलग होगी, और जो एक्वेटिक कंडीशन में प्लांट है उसके अंदर लीफ अलग अलग टाइप की होंगी. तो इनके एग्जांपल्स तुमने भी देख लिए. क्लियर हो गई बात सबको? सर एक बार प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब जो है वो समझ नहीं आया क्या? प्लास्टिसिटी का मतलब है कि डेवलपमेंट हमेशा एक ही जैसा हो, वो जरूरी नहीं है. क्या मतलब इसका, इसका मतलब कि सपोज एक प्लांट है और हमने देखा कि प्लांट के अंदर क्या होता है, एक यंग लीफ बनता है, ये बड है मान लो, और फिर ये बड जो है वो ग्रो करेगा, और ग्रो करके क्या कर लेगा, ग्रो करके एक एडल्ट लीफ का फॉर्मेशन कर लेगा. अब ये एडल्ट लीफ जो है वो कैसी होगी, वो एडल्ट लीफ ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, इस टाइप की. अब यदि मान लो ये इस पाथवे को फॉलो करता है डेवलपमेंट के टाइम पे नॉर्मली, तो इस पाथवे में से मैंने क्या किया, एक फैक्टर चेंज किया. मान लो क्या फैक्टर चेंज कर लिया, लाइट, लाइट जो है वो नहीं दिया. ये जो लीफ बड था, डेवलप हो रहा था, उसको मैंने लाइट नहीं दिया, तो क्या ये लीफ ग्रीन होगी क्या? No, sir. क्या डेवलपमेंट नहीं हो पाया, या चेंज हो गया डेवलपमेंट? Yes, sir. यही होता है हेट्रोफिली, यही होता है प्लास्टिसिटी, कि डेवलपमेंट एक फिक्स पाथवे को फॉलो करे जरूरी नहीं है. यदि हम एनवायरमेंटल फैक्टर को चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से वो डेवलप हो सकता है, उसे ही हम बोलते हैं हेट्रोफिली. और यहाँ पे जो
उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और यहाँ पर जो हेट्रोफिली वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो एग्जाम्पल हमें क्या बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप की लीफ जो है डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, या तो डेवलपमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग या एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बना रहा है। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ठीक है चलो, तो फिर अब इसके बाद में देखो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ये डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, वो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डेवलपमेंट को हम यदि शॉर्ट में स्वीट तरीके से बताना चाहें तो क्या कैसे बोल देंगे कि डेवलपमेंट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्लियर है बातें? अब इसके बाद में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। भाई प्लास्टिसिटी की बात की, प्लास्टिसिटी की बात की तो प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप से ग्रोथ हो सकती है, तो उस ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट, एक वो फैक्टर जो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और एक फैक्टर जो प्लांट के बाहर होता है, जो बाहर होगा उसे क्या बोल दोगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक जो कि क्या कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, और जो प्लांट के अंदर बनते होंगे उन्हें क्या बोल दोगे, इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर या आंतरिक कारक। अब एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बताओ। वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, और क्या हो सकता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, CO2, पीएच वगैरह हो सकता है, CO2 एंड O2 हो सकते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब बाहर से रिक्वायर्ड है तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं इनको। और इसके अंदर एक और भी फैक्टर ले सकता हूं मैं, क्या, सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स जो है वो भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होगा। क्लियर है ये सारे फैक्टर्स किसमें आएंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से दो टाइप के, या तो सेल के अंदर हो, क्या बोल सकते हैं हम, इंट्रा सेलुलर फैक्टर्स, और या फिर सेल के बाहर हो या एक सेल में बनते हैं और बाहर चले जाते हैं उनको हम बोल सकते हैं इंटर सेलुलर फैक्टर्स। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब इंट्रा सेलुलर फैक्टर में कौन आते हैं, सेल के अंदर जो फैक्टर है उसमें कौन आता है, उसमें आ सकता है उसका जीन, आरएनए, यस बिल्कुल, जीन, जीन और उसका एक्सप्रेशन जो है, और उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फैक्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोला, इंट्रा सेलुलर फैक्टर्स बोला, जो ग्रोथ को या डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और इंटरसेलुलर फैक्टर्स होते हैं, इनके अंदर कौन आते हैं, इनके अंदर आते हैं प्लांट के अंदर है ना, तो नेचुरल प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, और ये जो नेचुरल प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन, क्या बोलते हैं, फाइटो हॉर्मोन। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखा। और ये जो हार्मोन है, हार्मोन दो जगह पे लिखे मैंने, दो जगह पे लिखे, एक तो फाइटो हार्मोन ये नेचुरल वाला और एक सिंथेटिक वाला, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं पीजीआर। पीजीआर का मतलब क्या हो गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अभी पढ़ेंगे तो इसमें दो टाइप के हॉर्मोन्स आएंगे, कौन से, एक तो सिंथेटिक हॉर्मोन, सिंथेटिक
पहले तो कुछ साइंटिस्ट इनको हार्मोन भी नहीं मान रहे थे, सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा क्या होगा, नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसे हम क्या बोल देते हैं, फाइटो हार्मोन। ठीक है, तो ये होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आगे डिटेल में स्टडी करें यदि, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो कैसे हैं, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है दो कैटेगरी में हमने मेनली डिवाइड किया हुआ है, कि वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे कि कम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या होता है। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो ग्रोथ को बढ़ाता है, दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं। भाई प्लांट की यदि हम प्रॉपर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। यदि प्लांट हमेशा ग्रो ही करता, हम कई बार हमारे माइंड में आता है कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की रिक्वायरमेंट क्या है, भाई प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करना है तो इनहिबिटर की क्या रिक्वायरमेंट, इनहिबिटर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर हो तो ही मजा आ जाए। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? नो सर। क्यों नहीं लगता है? चलो कुछ एग्जांपल बताओ कि क्यों प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, कुछ एग्जांपल से समझा सकते हो क्या? सर जैसे फ्रूट को पकाने के लिए, मतलब जैसे जैसे क्या बता रहे हो? जैसे एथिलीन का यूज करते हैं ना फल पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए, वेरी गुड। भाई इथाइलिन एक ऐसा है जो क्या कर रहा है, जो फ्रूट्स को राइपन करवा रहा है, ग्रोथ को खत्म करवाता है, रोकता है और फ्रूट को पकाता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे ही यदि मैं एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान लो कोई, हाँ यस वेरी गुड बच्चे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सीड डोरमेंसी वाला, कि सीड जो है उसको जब वो इमेच्योर है उस टाइम पे उसको जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, उसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ रुकी हुई रहनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे यदि वो जर्मिनेट हुआ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे इनहिबिटर होना भी बहुत जरूरी है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये दो कैटेगरी हो गई। यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन जो है वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइन। यस, ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आता है, जिबेरेलिन ये भी किसमें आएगा, प्रोमोटर की कैटेगरी में आएगा, और साइटोकाइनिन ये भी प्रोमोटर की कैटेगरी में आएगा। इनहिबिटर की कैटेगरी में कौन आएंगे? एथिलीन और थायलीन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में हम एबीए बोल देते हैं, और इथाइलीन। यहां पर खास बात है कि इथाइलीन को ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में मोस्टली हम रख देते हैं, लेकिन यदि तुम्हें पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों ही कैटेगरी में फिट होता है, तो क्या बोलोगे? इथाइलीन। यस, इथाइलीन एक्स एस बोथ ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के ग्रोथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलने का मतलब कि यहां पर जो हम स्टडी करेंगे वो नेचुरल वाले भी होंगे, सिंथेटिक भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो मेन कैटेगरी प्रोमोटर और इनहिबिटर वाली होती है। प्रोमोटर में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन आता है, इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन आता है। बट इथाइलीन जो है उसके अंदर कुछ फंक्शन ग्रोथ प्रोमोटर वाले भी होते हैं और कुछ जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर वाले भी होते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन किसके डेरिवेटिव है? हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो वही चीज है यहाँ पर। हार्मोन जो है वो किसका, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो किसका डेरिवेटिव है? वो इंडोल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडोल कंपाउंड, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड जिसको हम आईए बोलते हैं, या ब्यूटेरिक एसिड, ये सब तो इंडोल कंपाउंड्स के डेरिवेटिव होते हैं। या फिर ये बनता है किससे, इसका प्रीकर्सर जो है क्या होता है, बताए क्या ऑक्सिन का प्रीकर्सर?
ट्रिप्टोफैन. प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज ट्रिप्टोफैन. एंड और इसके डेवलपमेंट सिंथेसिस के टाइम पे जिंक जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. जिंक इज रिक्वायर्ड. ठीक है. यस सर. तो इंडोल कंपाउंड होते हैं और किसका डेरिवेटिव होता है, किससे बनेगा प्रीकर्सर. क्या प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, पूर्व पदार्थ होता है. पहले ट्रिप्टोफैन उस वो मेमेलिनिक एसिड पाथवे या अलग अलग पाथवे के थ्रू क्या बना देगा, ऑक्सिन बना देगा. ऐसे ही जिबरलिन की बात करें तो जिबरलिन किसका डेरिवेटिव होता है, जीए थ्री जिबरलिक एसिड के लिए बोल रहे हैं हम. किसका डेरिवेटिव होता है, टर्पीन्स का. ठीक है. एन सिक्स फर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन या सिक्स अमीनो फर्फ्यूरिल प्यूरिन भी बोलते हैं. काइनेटिन किसका डेरिवेटिव होता है, एडिनिन डेरिवेटिव होता है या प्यूरिन डेरिवेटिव होता है. एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव होता है, कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव होता है. और इथाइलिन किसका डेरिवेटिव होता है, मेथियोनिन का डेरिवेटिव होता है. तो कौन किसका डेरिवेटिव है ये ऐसे ही तुम्हें ध्यान रखना है, टेबल बना के ऐसा हो तो ध्यान रखना. क्लियर है इतनी बात. यस सर. एक एक करके अब डिटेल में पढ़े. सबसे पहले देखते हैं डिटेल में ऑक्सिन. ऑक्सिन ऑक्सिन का मीनिंग ही होता है टू ग्रो. तो ऑक्सिन ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन होता है. कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर होती है, अनसेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर होती है. और क्या करता है, सेल इलोंगेशन प्रोमोट करता है, स्पेशली शूट का इलोंगेशन करवाता है. यदि बात करें ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन का सिंथेसिस कहां पर होता है मेनली, मेनली मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम. कहां पर, रूट एंड शूट. रूट और शूट में भी कहां पर होता है, मेनली शूट के ऊपर होता है, शूट टिप के ऊपर मेनली होता है. तो सिंथेसिस जो है वो प्लांट के यंग और डिवाइडिंग जो सेल्स होती है, पार्ट होती है, वहां पर होता है मेनली. अपाइकल मेरिस्टेम कौन सा वाला, शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है उसके ऊपर मेनली ग्रो करता ये बनता है. और ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका वो कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज डाउन टू अप, पोलर पोलर डेसिपिटल. टिप पे बन रहा है तो कहां पर आएगा, टिप से नीचे की तरफ आएगा, अप से डाउन डेसिपिटल. ठीक है. ज्यादातर शूट में बनता है तो शूट से नीचे की तरफ आएगा, शूट से किस तरफ आएगा, बेस की तरफ आएगा. पोलर ट्रांस रूट में भी बन रहा है तो रूट के टिप से भी बेस की तरफ आएगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेसिपिटल ही बोलेंगे. लेकिन वो कम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 100 ppm से कम होती है. अब देखो एक्सपेरिमेंट्स या डिस्कवरी की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा जो था फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने कुछ ग्रोथ हार्मोन सब्सटेंस जो है उनको देखा था. ठीक है, कौन से प्लांट के ऊपर, कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था डार्विन ने, कैनरी ग्रास फेलेरिस कैनरियंसिस के ऊपर. ठीक है. एंड ही डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी इन हिज बुक पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट. ही फाउंड दैट कोलेप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास बेंड टुवर्ड्स द लाइट. अभी देखेंगे डिटेल में. उसके बाद बॉयसन जेंसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और एफ डब्ल्यू वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट क्या थे वो समझो, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर लिया हुआ है एक्सपेरिमेंट को समझाने. सबसे पहले वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो डार्विन का है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन. इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कैनरी ग्रास लिया, उसका टिप कोलेप्टाइल टिप. कोलेप्टाइल से क्या बनता है, कोलेप्टाइल जो है उसके नीचे प्लूम्यूल होगा, ये कोलेप्टाइल होगा तो इसके नीचे प्लूम्यूल जिससे शूट बनता है. अब उन्होंने क्या किया, ये जो कैनरी ग्रास है फेलेरिस कैनरियंसिस जो है इसको यूनिलैटरल लाइट दिया. और यूनिलैटरल लाइट देने के बाद में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो टिप होता है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, कुछ इस तरीके से लाइट की तरफ बेंडिंग हो गई. क्या पता लगा, कुछ पता लगा क्या इस एक्सपेरिमेंट से, कुछ पता लगा क्या? हाँ, ये पता लग रहा है कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो कोलेप्टाइल टिप था इसको क्या किया, इसको कवर कर दिया. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस टिप के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का ऐसा कैप जैसा पहना दिया इसको, ताकि अब यूनिलेटरल लाइट जो आ रही है वो लाइट इसको ना मिल पाए या टिप के
ऊपर लाइट जो है वो ना जाए। अब की बार लाइट आई तो क्या अब की बार बेंडिंग हुई क्या? नहीं होगी सर। नो कर्वेचर। नो सर। क्या कंक्लूजन निकल रहा है तुम्हारा? इतना सा कंक्लूजन निकल रहा है कि लाइट स्टिमुलेट कर रहा है इसको बेंड होने के लिए। कोई हार्मोन, कोई केमिकल, इन सबका कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। अभी सिर्फ ये पता पड़ रहा है कि लाइट जो है उसकी वजह से कोलियोप्टाइल टिप जो है उसकी बेंडिंग होती है। यदि उसको कैप से कवर कर दें या फिर इस कोलियोप्टाइल टिप को कट कर दें और फिर यूनिलैटरल लाइट दें, तो इन दोनों ही कंडीशन में ये कर्वेचर शो नहीं करता है। इसका मतलब कि टिप जो है वो लाइट के स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है और उसकी वजह से मूवमेंट हो रही है। क्या डार्विन का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था सर? हाँ बच्चे सर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी पता पड़ेगा, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट देखते जाएंगे क्लियर होता जाएगा कि क्या रीजन। फिर इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में बॉयसन जैनसन ने एक्सपेरिमेंट किया 1930 में। अब बॉयसन जैनसन के एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवीना सटाइवा ओट जो है उसका कोलियोप्टाइल टिप लिया और अब की बार इन्होंने ये जो कोलियोप्टाइल टिप था इसके अंदर टिप से थोड़ा नीचे एक माइका की प्लेट जो है वो इंसर्ट कर दी इस तरीके से। अब्रक की प्लेट जो है, माइका की प्लेट जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दी और फिर इसको यूनिलैटरल लाइट दिया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा इस कंडीशन में कर्वेचर नहीं आया, ठीक है। फिर इन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया और अब की बार ये माइका की प्लेट जो है वो उस डायरेक्शन में उन्होंने इंसर्ट की जिस डायरेक्शन से वो लाइट दे रहे थे और अब की बार इन्होंने क्या देखा, अब की बार देखा कि लाइट की तरफ बेंडिंग हो गई। क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन से जरूर से कोई सब्सटेंस नीचे की तरफ जा रहा है बनके, जिसे किसने रोक लिया, जिसे माइका प्लेट ने रोक लिया और कर्वेचर नहीं हुआ। जब माइका प्लेट इस साइड में नहीं है तब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन से वो केमिकल नीचे चला गया और बेंडिंग हो गई। किसने बताया ये? बॉयसन जैनसन। अभी भी चीजें पूरी क्लियर नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि कोई केमिकल नीचे जा रहा है, कोई केमिकल नीचे जा रहा है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, टिप को कट किया। देख रहे हो सेकंड डायग्राम के अंदर, फिर नेक्स्ट ये देखो, टिप को कट किया इन्होंने। टिप को कट करने के बाद बीच में क्या किया, जेल रख दिया, एक जिलेटिन रख दिया और फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसे यूनिलैटरल लाइट दिया। अब की बार यदि यूनिलैटरल लाइट देंगे तो क्या होगा, यहां पर जो केमिकल बना था वो पहले यहां से जाएगा जेल में और जेल से फिर चला जाएगा नीचे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी। क्या प्रूव किया इन्होंने, बॉयसन जैनसन ने? बॉयसन जैनसन ने प्रूव किया कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ केमिकल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है बस, जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। इस बात को आगे और प्रूव किया पाल ने, पाल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे इस बात को और प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, अवीना सटाइवा की टिप को कट किया और टिप को कट करके एक साइड में रख दिया। देखो यानी यहां पर मान लो ये अवीना सटाइवा की टिप है तो टिप को कट करके उन्होंने क्या किया, आधे से साइड में इस तरीके से रख दिया और लाइट नहीं दिया है। कहां पर रखा है, डार्क में ही रखा है। क्या बेंडिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बेंडिंग हो गई। देखो इन्होंने क्या किया, इसको कट किया, साइड में रखा और डार्क में ही रखा है, ठीक है, विदाउट यूनिलैटरल लाइट। डार्क है, या तो हर तरफ से लाइट आ रही है या डार्क में ही है। तो क्या देखा इन्होंने, ये देखो कर्वेचर हो गया। क्यों हुआ कर्वेचर? कर्वेचर क्यों हुआ बताओ? क्योंकि ये इस वाले पार्ट से, यहां से केमिकल जो है वो नीचे जा रहा था और बात ये जो चल रही है कि केमिकल टिप पे बन रहा है और वो नीचे जिस तरफ से जाता है उस तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है और बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था किसने, पाल ने। इन सब एक्सपेरिमेंट से अभी तक यही पता पड़ रहा है कि कोई केमिकल है जिसके नीचे जाने की वजह से क्या हो रहा है, कर्वेचर आ रहा है। फिर इसको सबसे अच्छे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया वेंट ने, FW वेंट ने, और इन्होंने ऑक्सिन को डिस्कवर भी किया। ऑक्सिन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, डार्विन को कि वेंट को? वेंट को, वेंट को जाता है। वेंट ने क्या किया, बहुत सारे कोलियोप्टाइल टिप लिए और उसे एक जिलेटिन के ऊपर रख लिया। ये देखो जिलेटिन के ऊपर रखते ही क्या हुआ, इन टिप में से जो
ऑक्सीजन था वो निकल के कहां पर आ गया, वो इस जेल के अंदर आ गया, जिलेटिन के अंदर आ गया, यहां पर आ गया। अब उन्होंने क्या किया, इस जिलेटिन के पीस को कहां पर रख दिया, उन्होंने रख दिया इसको इसके ऊपर कोलेप्टाइल टिप को कट करके स्टंप के ऊपर। अब क्या किया इन्होंने, यदि पूरे के पूरे उस पर रखेंगे, मैं सारे एक्सपेरिमेंट एक बार बता देता हूं, इन्होंने जो जो भी किया था ड्रॉ करके, कोलियोप्टाइल टिप लिया, यदि कोलियोप्टाइल टिप इंटेक्ट है, टिप को कट नहीं किया, यूनिलेटरल लाइट दिया, तो क्या हो जाएगा, कर्वेचर आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सबने ही किया था, कुछ इस तरीके से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी टिप को कट करके इस तरीके से आकार जेल के ब्लॉक के ऊपर रख लिया, और अब ये जो कट टिप था, स्टंप जो था अविना सटाइवा का, इसकी टिप के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर ये जो जेल है, जिलेटिन जो है, वो रख दिया। अब इसको यूनिलेटरल लाइट से इन्होंने इलिमिनेट किया, यूनिलेटरल लाइट दिया इसको, क्या बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, बोलो। होगी सर, होगी। क्यों क्यों हुई बेंडिंग, क्योंकि ऊपर से, हाँ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, इस अगार जेल के अंदर है ना, यही ऑक्सीजन जो है वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन से नीचे की तरफ गया होगा, मूव किया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी ग्रोथ इस साइड पे ज्यादा हो गई। सेम एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने पाल की तरह से साइड में रख के देखा, अंधेरे में रख के देखा, तो भी बेंडिंग हुई। अल्टीमेटली इनका क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला एफडब्ल्यू वेंट का, इनका कंक्लूजन निकला, क्या तुम्हारा कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या ये सारे एक्सपेरिमेंट देखने के बाद में, क्यों ऐसा हो रहा है, बताओ कोई बच्चा। सर ऑक्सीजन नीचे की ओर जा रहा है तो, ऑक्सीजन नीचे की ओर जा रहा है तो लाइट से क्या इफेक्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पर यूनिलेटरल लाइट दे रहे तो लाइट से क्या इफेक्ट हो रहा है, लाइट से क्या इफेक्ट हो रहा है, यदि हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो शेडेड पार्ट में, ये शेडेड पार्ट है यहां पर हाई होता है, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और जो इलिमिनेटेड पार्ट है जिसमें लाइट आ रही है वहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। जहां पर हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर क्या होता है, ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, ग्रोथ ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो है वो शो करता है, फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या कर्वेचर जो है वो शो करता है। आई बात समझ में, अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि शेडेड साइड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों, बता सकते हो कोई बच्चा, क्यों शेडेड साइड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन कम है, क्यों बताओ, क्या रीजन हो सकता है। तो इसके लिए और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए बाद जो में, और भी वक्रता है वो ऑक्सीजन हार्मोन की सांद्रता के समानुपाती होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑक्सीजन की सांद्रता छाया वाले भाग में शेडेड पार्ट जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लाइट वाले पार्ट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्यों, देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको सपोज अंधेरे में रखा है, डार्क में रखा, तो हमने देखा दोनों ही पार्ट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगभग बराबर है, मान लो यहां पर 11 के आसपास ही मान लेते हैं, एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं ध्यान है, तो दोनों ही पार्ट में कितना है 11 या 11.4 लिख देता हूँ, यहाँ पर 11.6 लिख देता हूँ, लगभग में बराबर, ठीक है, अंधेरे में। जब मैंने इसी कोलियोप्टाइल टिप को कहाँ पे रखा, यूनिलेटरल लाइट में, एक साइड से लाइट दिया, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन छाया वाले भाग में
कितनी हो गई 15 ppm के आसपास, और अंधेरे वाले भाग में लाइट वाले भाग में 8 ppm के आसपास। क्या हुआ है कोई बच्चा बता सकता है क्या? लाइट देने पे आखिर क्या चल रहा है चक्कर, बताओ जल्दी सोच के। ट्रांसफर हो गया। यस, कैसे पता है ट्रांसफर? कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट की वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं ट्रांसफर हो गया। कैसे पता लग रहा है? इन दोनों को टोटल करो कितना हो रहा है, लगभग 23। इन दोनों को टोटल करो कितना हो रहा है, 23। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों जगह बराबर ही है, इसका मतलब ऑक्सीजन लॉस नहीं हुआ है या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, लाइट वाले पार्ट से वो भाग करके किधर चला गया है, छाया वाले भाग की तरफ चला गया है, शेडेड पार्ट की तरफ चला गया है। तो कोलेप्टाइल टिप पे या प्लांट के अंदर क्या होता है, शूट अपेक्स पे लाइट की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है शेडेड पार्ट की तरफ, और इसीलिए शेडेड पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और वहां पर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और कर्वेचर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। क्या क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? सर, तो ट्रांसफर होने का रीजन क्या होगा? ट्रांसफर होने का रीजन है कि लाइट से कुछ केमिकल एक्टिवेट होते हैं टिप के अंदर, और वो केमिकल एक्टिवेट होकर के क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और अपने साथ साथ ऑक्सीजन को भी लेके चले जाते हैं, उनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, एक्सपेरिमेंट्स क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब आगे देखो, ऑक्सीजन जो है उसकी डिस्कवरी तो हमने अभी देख ली कि डिस्कवरी तो किया है किसने, F.W. वेंट ने, और उसे आइसोलेट किया था सबसे पहले कोगल, हगेन और स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने जो सबसे पहले ऑक्सीजन डिस्कवर किया था वो था ऑक्सीजन ए, ऑक्सीनोट्रायलिक एसिड। कोई पेशेंट था पेलग्रा का, उसकी यूरिन से डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था। नेचुरल होगा कि सिंथेटिक होगा? प्लांट से थोड़ी निकाला, ह्यूमन यूरिन से निकाला है ना, नेचुरल प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, नेचुरल प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इंडोल 3-acetic एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये कैसे हैं? ये नेचुरल ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं? जैसे 2,4-D है, 2,4-dichlorophenoxyacetic एसिड, 2,4,5-T है, क्या होता है 2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic एसिड, क्या है ये सिंथेटिक, और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो भी सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। क्लियर हो गई बात? ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ना रिंग स्ट्रक्चर होती है अनसैचुरेटेड टाइप की, तो ये 2,4-D का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का है, ये इंडोल एसिटिक एसिड का है। तो स्ट्रक्चर जो है वैसे तो पूछते नहीं है, बट यदि तुमने देखा हुआ होगा एक बार तो तुम्हें ना ऑप्शंस में देख के आइडिया लग जाएगा, याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ रिंग जैसा इंडोल एसिटिक एसिड था, ठीक है, या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कुछ ऐसा था। तो इसलिए मैंने एक बार यहाँ पर डायग्राम जो है वो ले लिया था। अब देखो बायो एसे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा बायो एसे, यानी टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं ऑक्सीजन है कि नहीं। तो अवीना कर्वेचर टेस्ट, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अवीना जो है उसका टिप कर्व होगा, कर्वेचर शो करेगा। एंड क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट, रूट की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, इसलिए हम इसको रूट इनहिबिशन टेस्ट के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। अब देखो इसके बाद ऑक्सीजन का क्या फिजियोलॉजिकल रोल है और इफेक्ट है। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये तुमको याद ही रखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या देख रहे हो, वो देख रहे हो अपाइकल डोमिनेंस। अभी अपाइकल डोमिनेंस किस तरीके से काम करता है, रूट में काम करता है कि शूट में काम करता है? बोलो, अपाइकल डोमिनेंस रूट में होता है कि शूट में होता है? शूट में, शूट में होता है। शूट और रूट दोनों में ऑक्सीजन का फंक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा, ये बात ध्यान रखना, रूट और शूट में ऑक्सीजन का फंक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा, यहाँ पे मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू एक बार समझा रहा हूं। देखो जैसे सपोज ये है शूट, ये शूट टिप, शूट अपेक्स, और यहां पे बना दे रहा हूं रूट, मान लो ये है रूट अपेक्स। अब शूट में जब ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन की एक्टिविटी से, यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है वो हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन की एक्टिविटी से ये शूट जो है इसकी टिप की ग्रोथ ज्यादा होगी, यानी क्या होगा यहां पर शूट इलोंगेशन होगा,
शूट की लेंथ जो है वो बढ़ेगी। ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस कर रहा है, मतलब क्या कि इसकी ग्रोथ जो है, शूट की ग्रोथ तो ज्यादा हो रही है, लेकिन ये जो लेटरल बड्स होते हैं इनकी ग्रोथ को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। एक्सिलरी बड जो है इनकी ग्रोथ को इनिबिट करेगा। यानी अपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, शूट इलोंगेशन होना और क्या इनहिबिट लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन या न्यू ब्रांच फॉर्मेशन जो है उसको इनहिबिट करता है। कौन? ऑक्सिन। रूट में यदि हम बात करें तो रूट में उल्टा, कैसे कि यहां पर ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, रूट इलोंगेशन इज इनहिबिटेड। ऑक्सिन जो है वो रूट की इलोंगेशन को इनहिबिट करेगा और लेटरल रूट जो है उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, प्रमोट लेटरल रूट फॉर्मेशन। अभी बायो एसे की बात की थी मैंने, याद है? बायो एसे क्या था, रूट ग्रोथ इनहिबिशन। दो चीजें हैं, कंफ्यूज करती है, बहुत ध्यान से देख लेना। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ऑक्सिन इज अ रूटिंग हार्मोन। ऑक्सिन इज अ रूटिंग हार्मोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग हार्मोन? रूटिंग हार्मोन का मतलब है कि न्यू रूट या एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन जो है उसको प्रमोट करता है। ऑक्सिन न्यू रूट को फॉर्म होने को तो प्रमोट करेगा, लेटरल ब्रांच के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, बट रूट की लेंथ को बढ़ने से रोकेगा। क्या बिल्कुल क्लियर हो गई बात बच्चों? ऑक्सिन का शूट में और रूट में क्या इफेक्ट होता है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, समझ गए क्या? सर रूट वाला एक बार और बताइए। रूट के अंदर क्या होता है कि रूट की टिप की ग्रोथ जो है उसे ये इनहिबिट करेगा, न्यू रूट या लेटरल ब्रांच के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगा। शूट में इसका उल्टा, शूट की लेंथ को तो बढ़ाएगा और लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। तो रूट और शूट में ऑक्सिन जो है इसका अपोजिट एक्शन होता है। अब यहां पर ऑक्सिन का जो काउंटर हार्मोन है या हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सिन का बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करने वाला यहां पर इनएक्टिविटी में कौन सा हार्मोन है, बोलो बोलो। नहीं पता है क्या? साइटोकाइन। साइटोकाइन तो साइटोकाइन उल्टा काम करता है। क्या उल्टा काम करेगा? शूट की इलोंगेशन को इनहिबिट करेगा। शूट इलोंगेशन इज इनहिबिटेड एंड लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन is promoted। क्या करेगा? lateral branch formation को promote करेगा। कौन? cytokinin। ऑक्सिन का उल्टा, रूट में भी ऐसे ही बिल्कुल उल्टा। क्या कि ऑक्सिन जो है, cytokinin जो है वो क्या करेगा, cytokinin क्या करेगा, promote root elongation, root के elongation को promote करता है और inhibit लेटरल रूट फॉर्मेशन। तो यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का फंक्शन उल्टा है। मैंने दोनों हार्मोन को एक ही साथ तुम्हें बता दिया, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगी। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सिन जो है वो शूट के इलोंगेशन को प्रमोट करता है, लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ये ध्यान रखना है बस। रूट में उल्टा कर दोगे और साइटोकाइनिन का फंक्शन ऑक्सिन का उल्टा कर दोगे। क्या क्लियर है बात सबको? यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा अपाइकल डोमिनेंस। अब अपाइकल डोमिनेंस का एप्लीकेशन क्या है? देखो, अपाइकल डोमिनेंस का एप्लीकेशन है हेज मेकिंग में, टी प्लांटेशन के अंदर, इनके अंदर। क्या एप्लीकेशन होगा? याद करो, एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक डायग्राम दिया है, या तुमने अपने घरों पे भी ये चीज फील की होगी। गुलाब देखा है? गुलाब का प्लांट है सबके घर पे। रोज तुमने देखा है? तो रोज जो है वो कैसा उगता है, वो किसी ब्रांच के टिप पे उगता है। जैसे मान लो ये ब्रांच थी, तो हमने ग्रीन से बनाता हूं। मान लो ये एक रोज का ब्रांच था और उसके ऊपर ये लीफ लगे हुए हैं, नेटली कंपाउंड टाइप का लीफ होता है रोज पे,
एक यहाँ पे बना ले रहा हूं बस, और इसकी टिप पे यहाँ पर उग गया क्या, गुलाब का फूल उग गया। सर कहाँ उग गया? अभी उग जाएगा देखो। ये उग गया गुलाब का फूल। तो बच्चे ये मत बोलना सर ये कैसा गुलाब है, ठीक है मान लो ये गुलाब का फूल लोगे तो भाग जाएगा वो। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है अब किसी को देने का बचा भी नहीं है ना। yes. तो फिर अब मान लो क्या किया, अब ये बच्ची आरती जो है इसने क्या किया, इसने इस गुलाब के फूल को यहाँ से तोड़ दिया किसी को देने के लिए, ठीक है अपनी मम्मी को देके आई है पूजा करने के लिए, ठीक है तो इसने क्या किया इसने यहाँ से गुलाब के फूल को कट कर दिया। अब यदि इस रोज को यहाँ से कट कर दें तो क्या होगा, यदि इसको अब कट कर दिया तब क्या होगा बताओ, क्या होता है बताओ सर, उसके आसपास से ब्रांचेस नहीं मतलब नई ब्रांच। यस हम देखते हैं जैसे ही टिप वाला पोर्शन जो है वो रिमूव होता है तो उसके आसपास से क्या हो जाता है, उसके आसपास से जो एक्सिलरी बड है वहां से न्यू ब्रांच उगनी स्टार्ट हो जाती है, हो जाता है ऐसा। तो बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट जो है वो अपाइकल डोमिनेंस में लगता है कि जहां पर हम देखते हैं कि यदि हमने प्लांट की टिप जो है उसे कट कर दिया है, ये जो अपेक्स है उस पोर्शन को कट कर दिया है तो क्या होता है, अपेक्स को कट करने के बाद में पहले यहाँ पे बड था, यहाँ पर ऑक्सिन बन रहा था, ऑक्सिन की वजह से यहाँ पर जो लेटरल बड्स है उनकी ग्रोथ इनहिबिटेड थी, जैसे ही यहाँ पर टिप को रिमूव किया हम देखते हैं कि ऑक्सिन का अमाउंट तो कम हो गया, ये टिप जो है वो रिमूव है, टिप रिमूव्ड। तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सिन कम हो गया, ऑक्सिन की कमी होते ही साइटोकाइनिन का इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या करता था, साइटोकाइनिन लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन को प्रमोट करता था, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग बन जाएगी। तो गार्डनर क्या करता है, झाड़ी को घना बनाने के लिए टिप जो है उसको टाइम टाइम पे कट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर लेटरल ब्रांचेस बनते हैं और वो सघन हो जाता है, डेंस हो जाता है। तो इस ये एक एप्लीकेशन हो गया किसका, अपाइकल डोमिनेंस का। टी प्लांटेशन में ये कैसे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि तुमको पता है कि टी जो है वैसे तो ट्री होता है लेकिन हम देखते हैं कि छोटा होता है, हाइट में बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि टी से हमें बहुत सारी क्या चाहिए, लीव्स चाहिए, और लीव्स ज्यादा से ज्यादा कब बनेगी, जब ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होंगी। तो क्या किया जाता है, टिप को रिमूव कर दिया जाता है, अपाइकल डोमिनेंस खत्म कर देते हैं, तो साइटोकाइनिन के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है और बहुत सारी लीव्स बन जाती है। क्या क्लियर हो गई बात सबको? Yes, sir. Sir, जैसे कॉफी का पेड़ रहता है वैसे टी का भी पेड़ रहता है क्या? हाँ बच्चे, अब इसके बाद और इसका फंक्शन देखो, फिजियोलॉजिकल रोल और फंक्शंस देख रहे हैं। सेल इलोंगेशन इसमें हेल्प करता है, सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, शूट भी बढ़ा रहा है, सेल को भी इलोंगेट करवा रहा है, सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है, सेल का इलोंगेशन भी करवाएगा, सेल डिवीजन को भी प्रमोट करेगा, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिसिन, जो यंग प्लांट होते हैं, यंग प्लांट पार्ट होते हैं, जो लीफ है यंग या यंग फ्रूट्स है उनको एब्सिसिन, एब्सिसिन का मतलब विलगन, गिरना, टूट के अलग होना, तो एब्सिसिन जो है उसको रोकता है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन लीव्स एंड फ्रूट प्रिवेंट्स द एब्सिसिन और प्रिवेंट द एब्सिसिन लेयर फॉर्मेशन, बट यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इट कैन कॉज क्या, एब्सिसिन। और इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है, यानी कुछ हार्मोन है ऑक्सिन इनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज करेंगे तो ये एब्सिसिन को इंड्यूस भी कर सकते हैं, और 2,4-D और 2,4-5-T जो है उनको एजेंट ऑरेंज की फॉर्म में यूज किया जाता है, कुछ प्लांट्स की लीव्स को शेड ऑफ करने के लिए। कैसे यूज किया, कि जब यूएस वियतनाम वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे 2,4-D 2,4-5-T वगैरह जो है उन्हें यूज किया गया था जंगल को क्या करने के लिए, उनकी लीव्स तोड़ने के लिए, ताकि वो वियतनाम की ट्रूप्स को इजीली देख पाए और उन्हें वहां पे हरा दे। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में लाइट कट हो गई क्या, चलो
सर आप दिखाई तो दे रहे थे, बहुत धुंधला दिख रहा होगा। हाँ पहचान तो आ रहे थे। यस सर दिखाई दे रहे हो आप। पहचान आ रहा हूँ। ओके ओके पहचान तो मैं आवाज से भी आ जाऊंगा। ठीक है तो फिर अभी लाइट आती है तो फिर वैसे पढ़ने में मजा नहीं आता है। ओके वैसे पढ़ने में मजा नहीं आता क्या? ओके ठीक है तो फिर अब ठीक है। अब ठीक है चलो नेक्स्ट फंक्शन देखो, इरेडिकेशन ऑफ वीड। वीड को रिमूव करने में भी ये काम करता है। अब क्या होता है देखो, वीड को रिमूव करने के लिए यदि सेलेक्टिव वीडिसाइड यूज करना चाहते हैं जो हमें पता हो कि किस टाइप के प्लांट को किल करता है, मोस्टली वीडिसाइड की जरूरत पड़ रही है। जैसे मान लो हम खेती कर रहे हैं या हमने घर में लॉन बनाया, जो हमारे घरों में लॉन होता है वो बनाया, हमने क्या देखा वहां पर, हमने देखा कि बहुत सारे ग्रासेस हैं और हम क्या कर रहे हैं टाइम टाइम पर उनको पानी भी दे रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, और कहीं से क्या हुआ, कहीं से मान लो कोई वीड आ गया, वीड आ गया तो हमने क्या देखा, हमने देखा इसके बीच में कोई प्लांट जो है वो अनवांटेड प्लांट जो है वो ग्रो करने लगे। ऐसा हो सकता है क्या कि हम घास उगा रहे हैं, घास के बीच बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट जो है वो भी उग रहे हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ऑक्सिन को 2,4-D जो है, ये ब्रॉड लीव्ड डाइकॉट वीड जो होते हैं इनको किल कर देते हैं। तो सिलेक्टिव वीडिसाइड की फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, किसको, 2,4-D 2,4-5-D को। क्लियर हो गई बात। देन इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग, टूट के गिरना, राइस ओट ऐसे इनके स्टेम जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो यदि हम इन्हें टूट के गिरने से बचाना चाहते हैं तो नेफ्थलीन एसिटामाइड जो है उसे यूज कर सकते हैं, ये इसके स्टेम को स्ट्रांग बनाते हैं। पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन जो है वो पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करता है, यानी पार्थेनोकार्पी क्या क्या होता है, पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट बनना, इनके अंदर सीडलेस फ्रूट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, पार्थेनोकार्पी भी ये इंड्यूस करता है। और रूट इनिशिएशन का काम करता है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रूटिंग हार्मोन बोल रहे हैं। रूटिंग हार्मोन कौन यूज होता है, NAA और IBA। बच्चों कहां पर यूज करते हैं, देखो दो मेन एग्जांपल है इसके, एक तो तुमने देखा होगा कटिंग, रोज की कटिंग, रोज जो है उसका स्टेम लिया, लोअर एंड जो है उसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद में इसे हम डिप करते हैं किसके अंदर, इसे हम डिप करते हैं वीक ऑक्सिन सॉल्यूशन, NAA और IBA यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें डिप करने की वजह से इसके अंदर जल्दी से एडवेंटिशियस रूट जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। किसको प्रमोट कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है देन इसके अलावा टिश्यू कल्चर में पढ़ा था हमने, याद है, टिश्यू कल्चर के अंदर हम दो हार्मोन यूज करते हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इन दोनों का रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, टिश्यू कल्चर के अंदर। कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये, कि यदि इन दोनों का रेशियो इक्वल है, वन है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये कैलस जो है वो डिवाइड करता रहेगा। यस, यदि हम देखते हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में से ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, रेशियो मोर देन वन हो गया, क्या करेगा, रूट इनिशिएशन करवा देगा, यानी रूट का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और यदि उल्टा हो जाए, क्या उल्टा हो जाए, कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में से साइटोकाइनिन ज्यादा हो तो क्या करता था, ये लेटरल ब्रांच बना रहा था, यानी स्टेम का फॉर्मेशन कर रहा था, तो रेशियो जो है वो कैसा हो जाए, रेशियो हो जाए लेस देन वन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, शूट का डिफरेंशिएशन होगा, शूट डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से रूट के इनिशिएशन को प्रमोट करता है रूटिंग हार्मोन, हम ऑक्सिन को बोलते हैं। तो क्या ये सारे ऑक्सिन के फंक्शन सबको समझ में आ गए, इसके अलावा ऑक्सिन जो है वो फीमेल फ्लावर का नंबर भी इंक्रीज करता है, ठीक है, फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, फीमेल फ्लावर का नंबर जो है पाइनएप्पल के अंदर, टोमेटो के अंदर, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ऑक्सिन सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जिबरेलिन। देखो जिबरेलिन के बारे में, देखो जिबरेलिन जो है
The effect of zibberelin has been observed over a century ago. Actual में इसकी discovery कैसे हुई थी? वो चीज़ जरा हम समझते हैं. देखो, क्या होता है? कि जब हम देखते हैं कि जिबरलिन की डिस्कवरी के बारे में, तो सबसे पहले जापान में कुछ फार्मर्स ने क्या देखा कि उन्होंने राइस के प्लांट्स उगाए थे और राइस के प्लांट्स जो हैं वो क्या हो गए, वो अचानक से बहुत लंबे हो गए और एबनॉर्मल होकर उनकी डेथ होने लग गई. उन्होंने इस डिजीज को क्या कहा, बकाने डिजीज या फूलिश सीडलिंग डिजीज. क्या नाम दे दिया उसका, फूलिश सीडलिंग डिजीज. ठीक है, और ये फुलिश सीडलिंग डिजीज के पीछे का कारण ढूंढने के लिए गए एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट. क्या नाम था, कुरोसावा. क्या नाम था, कुरोसावा. और कुरोसावा ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि ये जो डिजीज हुई इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है एक फंजाई, फंगस, जिसका नाम था क्या, जिबरेला फ्यूजिक्यूराई. जिबरेला फ्यूजिक्यूराई फ्यूजेरियम मोनाली फॉर्म जो है उसका परफेक्ट स्टेज है ये. तो कुरोसावा ने इस तरीके से एक फंजाई को डिस्कवर किया जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था डिजीज के लिए. बाद में याबुता और सुमिकी, जैसे तुम लोगों ने नोबिता और सुजुका का नाम सुना होगा, वैसे ही याबुता और सुमिकी जो थे जापानी साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइसोलेट किया ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को और इसको नाम क्या दे दिया था, जिबरलिन. तो इस तरीके से जिबरलिन जो है वो डिस्कवर हुआ था इनिशियली, कॉर्न वगैरह जो है उनसे डिस्कवर हुआ था. हंड्रेड्स, आज के टाइम पे यदि मैं बात करूं तो मोर देन 125 डिफरेंट जिबरलिन जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं. इनका नाम GA1 GA2 ऐसे रखा जाता है. जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ होगा GA1, फिर उसके बाद GA2, और प्लांट के अंदर जो नेचुरली डिस्कवर्ड हुआ है फर्स्ट, जिसकी अभी तक सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, वो जिबरलिन कौन सा है, GA3. ध्यान रखना, मोस्ट वाइडली स्टडीड जिबरलिन जो होता है वो GA3 है. ठीक है. और जिबरलिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, प्लांट के जितने भी यंग पार्ट है, चाहे वो यंग लीफ है, सीड है, एम्ब्रियो है, तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये बनता है. तो इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसा होगा, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर डिफ्यूजन के थ्रू होगा, क्योंकि लगभग हर पार्ट में ये बनता है. ठीक है, हर यंग पार्ट के अंदर ये बनता है. ठीक है, और प्रीकर्सर जो है जिबरलिन का, टर्पीन मेवलोनिक एसिड पाथवे से बनता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो भी प्रीकर्सर के फॉर्म में यूज हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, या फिर टर्पीन जो है उनके डेरिवेटिव से होते हैं. ठीक है, बायो ऐसे यानी टेस्ट, ड्वार्फ पी टेस्ट से हम इसका पता लगा सकते हैं. बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट जो है वो कर सकते हैं हम इसके लिए. ठीक है, अब इसका फिजियोलॉजिकल रोल और इफेक्ट देख. सबसे पहले ये भी क्या करेगा, ये भी इंड्यूस करेगा किसको, सेल डिवीजन को. सेल डिवीजन को इंड्यूस करेगा ये, और सेल डिवीजन के साथ साथ सेल के इलोंगेशन को भी इंड्यूस करेगा. तो ये फंक्शन जो ग्रोथ प्रोमोटर वाले हैं वो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंटरनोडल ग्रोथ, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं बोल्टिंग इफेक्ट. क्या ये इंटरनोड को इलोंगेट करवाने वाला हॉर्मोन है क्या, है क्या, बोलो. यस सर. देखो क्या होता है यहाँ पर, जैसे हमने देखा, मान लो सपोज एक प्लांट है जिसका नेचर जो है वो कैसा है, वो बुशी हैबिट या रोजेट हैबिट का है. रोजेट हैबिट है उसका. रोजेट हैबिट मतलब कि उसका इंटरनोड जो है वो बहुत छोटा है, नोड बहुत पास पास में. ये नोड है मान लो, ये नोड बहुत पास पास में. इन नोड पे से क्या उग रहे हैं, इन नोड पर से लीव्स उग रहे हैं कुछ इस तरीके से. प्लांट जो है वो कैसा है, कुछ इस टाइप का, जैसे पत्ता गोभी होता है उस टाइप का. ठीक है, और यदि इस रोजेट हैबिट वाले प्लांट के ऊपर जिबरलिन, एसिडिक नेचर का है इसलिए जिबरलिक एसिड बोलते हैं, जिबरलिन स्प्रे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा, इंटरनोडल ग्रोथ हो जाएगी, यानी ये लंबा हो जाएगा, इसके नोड्स जो है वो दूर दूर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से.
यानी रोजेड हैबिट से किस हैबिट में कन्वर्ट हो गया, वाइन हैबिट में कन्वर्ट हो गया, हाइपरसोन में। तो इस तरीके से इंटरनोडल इलोंगेशन जो है वो देखने को मिलता है किसकी वजह से, जिबरलिक एसिड की वजह से, और ये रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में कन्वर्ट कर देता है। इवन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जो होंगे उनको भी ये क्या कर देगा, उनको भी ये जो है वो लंबा करवा देगा। ठीक है बच्चों, देन इसके बाद में सीड जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिबरलिन जो है वो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और ये काम वो कर कैसे पाता है कि ये एक्टिवेट करता है किसको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी, एमआरएनए प्रोडक्शन और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के प्रोडक्शन और एक्टिवेशन को ये प्रमोट करता है। इसकी वजह से अल्फा अमाइलेज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीएज, तो इससे क्या होगा, इससे जो सीड के अंदर रिजर्व फूड है वो सोलिबलाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उसको क्या कर लेंगे, उसको एम्ब्रियो जो है वो अपटेक करेगा, तो सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सीड जर्मिनेशन जो है उसको प्रोमोट करता है। और इवन ये जो डोरमेंसी को खत्म करके सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, उसके लिए हम ये प्रोसेस कंप्लीट डार्कनेस में भी कर सकते हैं। उनके लिए जो फोटोब्लास्टिक सीड होते हैं, लाइट सेंसिटिव सीड जो होते हैं, उनको हम फोटोब्लास्टिक सीड होते हैं, उनको अंधेरे में भी हम जिबरलिन यूज करके जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो सीड का जर्मिनेशन करवा रहा है, डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है सीड में भी, और अदर डोरमेंट ऑर्गन्स में भी, लाइक बर्ड जो है उसको भी जर्मिनेट करवा सकता है, पोटेटो ट्यूबर जो है उनको भी जर्मिनेट करवा सकता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पी ये भी इंड्यूस करता है, ऑक्सिन के कंपेयर में 500 टाइम मोर एफिशिएंट है, टोमेटो पियर एप्पल के अंदर पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकता है, और एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के अंदर इलोंगेशन करवाएगा, अभी मैंने बताया। देखो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज करते हैं, लेकिन जिबरलिन जो है वो मेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज करता है, ये बात ध्यान रखना। बोल्टिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। कोल्ड ट्रीटमेंट का भी सब्स्टिट्यूशन होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद लो ट्रीटमेंट की वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस करना जो होता है उस प्रोसेस को हम कोल्ड ट्रीटमेंट या वर्नलाइजेशन बोलते हैं। यदि हम जिबरलिन को यूज करें तो हम जिबरलिन को यूज करके लो टेम्परेचर पे ही क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या वर्नलाइजेशन का सब्स्टिट्यूट होता है। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में देयर एबिलिटी टू कॉज एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, क्या क्या बढ़ा देगा, जो ग्रेप है उसके स्टॉक का साइज, ग्रेप के इंडिविजुअल ग्रेप का साइज भी बढ़ा देता है, और एप्पल जो है उसको और भी ज्यादा सुंदर और इलोंगेट करवा देगा। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो किसके थ्रू होते हैं, जिबरलिन के थ्रू। और ये जो एप्पल होता है जो जिबरलिन की वजह से बड़ा हो गया है, सुंदर हो गया है, ज्यादा डिलीशियस हो गया है, उसे हम पोमेलिन भी बोल देते हैं। तो उसके लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, जिबरलिन को यूज कर रहे हैं। और ये जो ग्रेप होता है जो जिबरलिन को यूज करके काफी बड़े साइज के ग्रेप बना लिए जाते हैं, इन्हें हम थॉम्सन ग्रेप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन है किसका, जिबरलिन का। क्लियर हो गई बात सबको, जिबरलिन सबको समझ आ गया। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट को बताओ ना एक बार कि कब पोलर बोलेंगे और कब नॉन पोलर बोलेंगे। जब भी प्लांट के अंदर एक फिक्स पार्ट जैसे टिप के ऊपर बन रहा होगा और टिप से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उसे पोलर बोलोगे, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में बन रहा है और डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है तो फिर क्या बोल दोगे, नॉन पोलर बोल दोगे। समझ गए क्या, तो जो हार्मोन टिप पे बना था उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया सबको। यस सर। ठीक है, चलो तो इसी के साथ में जिबरलिन तक तो हमने आज पढ़ लिया है, और इसके बाद में साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, चलो बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। हाँ, इतना अच्छे से पढ़ लिया। गुड नाइट सर। ओके बच्चे, बाय बाय।